अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन डिश टमाटर रसम। इसे टमाटर चार भी बोलते हैं। ये सूखा तला हुआ गोश्त और चिकन फ्राई के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए, ये टमाटर लिए हमने 1 किलो। आप अपने हिसाब से आधा किलो भी ले सकते हो। इसे मैंने कट कर लिया है प्लेट में धोकर। कुछ मसाले जाएंगे इसमें। ये आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1/2 चम्मच नमक है और 1 चम्मच ज़ीरा है। और ये थोड़ी सी इमली है मैंने डाला इसमें। देखिए, इसे हम कुकर में बनाएंगे तो ये झटपट बन जाता है। कुकर में हम टमाटर को ऐड करेंगे। सारे टमाटर हमने डाल दिए इसमें। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये इमली डाल रही हूँ मैं इसमें। इसमें डालेंगे अभी थोड़ा पानी, ये 1/2 ग्लास पानी है, क्योंकि टमाटर में भी थोड़ा पानी होता है और वो बहुत पानी छोड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ ताकि चिपके ना। इसे हम रखेंगे फास्ट फ्लेम पर 2 सीटी तक। इसे उबालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों को। देखिए, मैं अच्छे से मिला रही हूँ कुकर में। जल्दी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो अच्छे से फास्ट फ्लेम पर रखेंगे इसको 2 सीटी आने तक। ये हमारा टमाटर रेडी हो चुका है गलकर। अब इसे ठंडा करेंगे हम एक प्लेट में डालकर। ये मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है। ये मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये सारे टमाटरों को हम मिक्सर में पीस लेंगे। सारा मसाला पीस लिया मैंने टमाटर। देखिए कैसा गाढ़ा हो गया है ये। अब इसको गैस पर रखकर उबालेंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और नमक। नमक मैंने पहले भी टमाटर में डाला था, इसलिए अभी थोड़ा डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच। और ये हमें तड़का लगाने के लिए प्याज, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली मैंने, 2-3 सूखी मिर्ची है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 कांडी कड़ी पत्ते का और 1 चम्मच राई माश। ये उबल रहा है, अब तड़का लगाएंगे हम। ये 2 चम्मच तेल डाली हूँ मैंने। इसमें डालेंगे राई माश, इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा डालेंगे और सूखी लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे इसमें। देखिए, मिर्ची मैंने 2 ही डाला था, अब प्याज ऐड करेंगे क्योंकि मैंने रसम में भी मिर्ची पाउडर डाला है। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। देखिए, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें रसम में हम ऐड कर देंगे इसको। ये रसम में ऐड कर रही हूँ मैं। ये हमारा रसम बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे। देखिए कितना सुपर टेस्टी लग रहा है, ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। हो गया, हमारा रसम बनकर रेडी हो चुका है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अच्छी वीडियो ऐसे लाती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।